हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन लिया है और उसमें से हमने इस टॉपिक टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का एक टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे और हमने क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, किंतु वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले तो 40 मिनट का अधिक समय लगता है। कुल निश्चित दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए 3 मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। मैं तीनों ही बता देता हूँ। जो हमारा हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, मींस उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इंक्रीज किया है, ठीक है। तो उसको 40 मिनट जो है कम लगते हैं, ठीक है। ये तो बात मानते हो भी, अगर चाल तेज़ होगी इंक्रीज करेगा तो टाइम जो है कम लगेगा। और यही चाल को अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करे तो उसकी चाल जो है 40 मिनट उसको ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ये बोला है क्वेश्चन में, और हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर आपको पास 3 मेथड है, तीनों बता दूंगा। फर्स्ट मेथड है जो इसका, वो ये है कि अगर यहाँ पे जो टाइम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहे हैं, यानी कि टाइम सेम है, जिसमें क्या है, टाइम जो ज़्यादा हो रहा है और कम हो रहा है वो टाइम सेम है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है 2xy/x-y। यहाँ पे जो एक्स वाई है वो चीज़ लेनी है हमने, एक्स तो वो लेना है जो इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो वाई वो होगा जो डिक्रीज हो रही है स्पीड उसकी। तो यहाँ पे 2 × 3 × 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 जो इंक्रीज हो रही है चाल और 2 कम हो रही है, नीचे आ जाएगा 3 - 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 12, नीचे 1 रह जाएगा, यानी कि ये जो अपनी आई है वो स्पीड आई है, ठीक है। उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस हिसाब से वो चल रहा था, तो उसने 12 किलोमीटर के ऊपर 3 किलोमीटर बढ़ाया। मीन्स स्पीड की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं उसकी जो एक्चुअल स्पीड आई थी वो 12 है, अगर उसने 12 से 3 बढ़ा ली तो यानी कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी उसकी ने 12 से 2 कम की है, यानी कि 10 हो जाएगी उसकी किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल, ठीक है। सही है ये बात, यानी कि यहाँ पे उसने 3 बढ़ाई, 12 पे 15 होगी, 2 कम की तो 10 होगी, ठीक है। अब ये था स्पीड की बात करें। अगर मैं टाइम की बात करूं तो हमें पता है कि स्पीड का जो उल्टा होता है वो टाइम होता है, यानी कि 10 और 10:15, इनका रेशियो ले लें, मान लें 10:15 आ जाएगा, यानी कि 2:3 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 5 × 10 = 15। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 1 का है, और जो यहाँ पर जो ये टाइम का रेशियो देखोगे टाइम का डिफरेंस देखोगे तो कितना होगा, एक तो टाइम 40 कम हो रहा है और एक टाइम 40 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एक बंदा मान लो यहाँ पे है, मान लो उसको यहाँ पे पहुँचना है, तो वो एक तो पहले 40 मिनट, टाइम की बात करूँ मैं तो 40 मिनट पहले पहुँच रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक 40 मिनट पहले की बात करूँ तो 40 मिनट ये हो जाएंगे, और 40 मिनट एक लेट पहुँच रहा है तो 40 मिनट हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 80। यहाँ पर यानी कि एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 80, ठीक है। ये बात, एक की वैल्यू 80, मिनट में बात करूँ मिनट ही है, 40 मिनट लग रहे हैं तो 80 मिनट आ जाएंगे, तो 2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 160 और 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 240, ये मिनट आ गए, ठीक है। यहाँ पे स्पीड 15 किलोमीटर है, यहाँ पे टाइम 160 है, अगर मैं 15 × 160 कर दूँ, मिनट है तो हम आवर में बदलेंगे तो 60 कर देंगे, ठीक है। 15 × 15 = 60, यानी कि 40 यहाँ से किलोमीटर आ रहा है। अगर आप यहाँ से निकालना चाहो 10 × 240 मिनट, यानी कि 4 घंटे, तो 40 किलोमीटर। ये है
हमारा इनका बीच में का डिस्टेंस 40 किलोमीटर, जो डिस्टेंस आया 40 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करें सेकंड मेथड की, ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड अपना क्या होगा, सेकंड मेथड में हमें पता है इसमें भी अब स्पीड निकलेगी, तो हमें क्या करना है, पहले एस पहले देखना है चाल जो है इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, तो प्लस कर देना S1, S1 यानी कि जो इंक्रीज हो रही है, अपॉन S1 इंटू T1। ये T1 और S1 बता देता हूँ क्या होंगे, S प्लस, अब यहाँ पे वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही है, तो S माइनस कर देंगे यहाँ पे, S2 अपॉन S2 इंटू T2। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो इंक्रीज हो रही है, तो वो उसको 40 मिनट कम लग रहे हैं, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कम करे तो उसको 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन जो हो गया हमारा S1, ये वाला पोर्शन हो गया S2, ये हमारा T1, ये हमारा T2। तो हम इसमें पुट कर देंगे S+3/3 इंटू 40 इक्वल टू होगा S-2/2 इंटू 40। ये मिनट में बात करें तो 40 मिनट है, ये मिनट्स और 40 मिनट ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2S+6=3S-6, यानी कि S की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है, 12, ठीक है, 12 आ जाएगी। अब ये S हमारे पास 12 आ गया, तो S में यहाँ पे पुट करेंगे 12, ये जो दिया हमें 12 प्लस पहले 3 हो रहा है, अपॉन 3 इंटू 40, 40 मिनट है, इसको अगर मैं आवर में करूँगा तो 60 अपॉन कर दूँगा, 12 और 3 15, 15/3 इंटू 40/60, 15 चौके 60 और 4 दया 40, यानी कि हमारे पास टाइम आ गया 10/3। इससे ये टाइम आ गया अपना इतना, और जो स्पीड आई थी वो कितनी आई थी, 12। अगर मैं स्पीड इंटू टाइम कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ गया 40। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर इसमें पुट करके करना चाहो तो यहाँ से भी टाइम सेम ही आएगा 10/3, ठीक है। ये था हमारा मेथड, सेकंड मेथड था। अब अगर मैं बात करूँ मेथड थ्री की, तो मेथड थ्री हमने हमारा क्या होगा, देखिए हमें पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, तो 40 मिनट कम लग रहे हैं, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। आपको क्या करना है, फॉर्मूला है इसका सिंपल सा, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हमारे पास S1 है, ये S2 है, ये T1 है और ये T2 है, तो हमें क्या करना है, S1 इंटू T2 माइनस करना है S2 इंटू T1, और ऊपर क्या करना है, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, S1 इंटू S2 इंटू इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, T1+T2, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी स्पीड, स्पीड कितनी आएगी, अब देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 40 80 अपॉन, अब इसको करेंगे 40 इंटू 30 120 -40 गुना 80, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 80/40। दो ये आ जाएगी हमारी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से, ठीक है। अब अगर टाइम निकालना हो तो, टाइम निकालना हो तो क्या करना है, S1+S2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन S1 इंटू, ये तो नीचे तो सेम ही रहेगा, S1 इंटू T2 S2 इंटू T1, यानी कि S1+S2 कितना होगा, 3 2 5, और वो कितना होगा, 40 इंटू 40, ठीक है, अपॉन कितना आएगा 40, क्योंकि ये दोनों तो, ये तो सेम ही है, नीचे तो सेम ही आएगा 40, ठीक है। तो यहाँ से 40 इंटू 40 कट जाएगा, यानी कि 4 5 20 200, अब ये मिनट में आएंगे, क्यों, क्योंकि 40 मिनट थे, ठीक है, 200 मिनट आ गए, स्पीड 12 आ गई, तो 12 स्पीड डिस्टेंस निकालने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मल्टीप्लाई करेंगे 200 मिनट से, तो मिनटों को आवर में बदलेंगे तो 60 डिवाइड कर देंगे, तो 12 5 60, 5 चौका 20, तो ये डिस्टेंस अपना आ जाएगा 40 किलोमीटर, यही है, ठीक है। आपको तीन मेथड बता दिए, तीनों के जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।